मेरे नौजवान साथियों, स्टूडेंट जो आने वाले वक्त के अंदर किसी न किसी रूप में अपनी भारत माता की आजादी की रक्षा, अपने भारत मां को मजबूत करने का काम करेंगे। मुद्दा है कश्मीर, मुद्दा है आतंकवाद, अब नया मुद्दा है कि पाकिस्तान को हमने किस तरीके से करारा जवाब दिया, और मुद्दा है आज का दिन हमारे शांति के पुजारी जिन्होंने भारत माता को कई आंदोलनों से, कई कष्टों से, जुल्मों से, अंग्रेजों के जुल्मों से इस भारत मां को आजादी लेके दी, हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी। और दूसरी तरफ गोली का जवाब गोली, ये बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल है। किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का न प्रवक्ता हूं, न मैं उसका दोस्त हूं, न कभी किसी को मिलने की इच्छा रखता हूं। पुराना कांग्रेसी हूं, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, उस आजादी की कांग्रेस का पुराना कांग्रेसी हूं। और जहां भारत मां का सवाल आता है, मेरी विचारधारा आजाद होती है, उससे मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे सब दूर हो जाते हैं, सबसे पहले मेरी भारत मां आ जाती है। सबसे बड़ी हमारे पिछले समय में कमी यह रही जो हमने देखा, हमारे हाथों से छोटी उम्र में बड़े मिनिस्टर बने, बड़े सीएम बने, बहुत बहुत बड़े रैलियां भी करते थे पाकिस्तान के खिलाफ। हम जब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, हमने उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ पब्लिसिटी की खातर जब जब वो बम गोलियां अपने पे चलाते थे, बॉम्बे में चलाते थे, कहीं भी चलाते थे, हम उनके बॉर्डरों में घुस जाते थे। वाघा बॉर्डर, कच्छ बॉर्डर, गंगानगर बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर, कितनी भीड़ होती थी, 2 लाख, 2.5 लाख, हजारों लाखों तिरंगे झंडे होते थे। अब तो बॉर्डरों में बहुत फर्क आ गया, बड़ी दूरी बना दी, ये सामने बॉर्डर और ये हम खड़े होते थे। खूब पाकिस्तान के नकाब को इंटरनेशनल मीडिया को बुला के नकाबों को खोलते थे, ये पाकिस्तान धोखेबाज मुल्क है, ये पाकिस्तान आतंकवादी देश है, ये पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। और उधर से क्या संदेश आता था रेंजरों से, हमारे रेंजरों को कहते थे बेटा कबूलो की गाली देना बंद करे, नहीं तो हम गोलियां चलाएंगे, रॉकेट लॉन्चर चलाएंगे। जब रेंजर हमें कहते थे, मैं कहा हे पाकिस्तान, ये 2.5 लाख की, 3 लाख की भीड़ तेरा लोहे का गेट तोड़ के तेरे लाहौर में घुस जाएगी और उठा के हथियारों समेत तुम्हें ले आएगी, वो हम नहीं, हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। फौज गोली से गोली का जवाब, बीएसएफ गोली का जवाब गोली देती थी, और हम अपनी जबान को AK-47 बना करके पाकिस्तान के नकाब को दुनिया के अंदर उसको नंगा करते थे कि ये पाकिस्तान आतंकवादी। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था, मैं भी चीफ मिनिस्टर बन सकता था, मुझे भी 96 में बेअंत सिंह की बम्बों की मौत के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर की ऑफर हुई, मैंने कहा ना, ना मेरा एमएलए बनना मकसद था, ना मंत्री बनना मकसद था, मेरा तो आतंकवाद को समाप्त करना मकसद था। मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने उनका चैलेंज का जवाब चैलेंज से दिया, अमन शांति हुआ, राजनीति मेरा मकसद नहीं है, हमने सब कुछ छोड़ा। ये जरूरी नहीं है कि हम फौज की वर्दी पहनेंगे, सुरक्षा फोर्सेज की वर्दी पहनेंगे, सीआरपी की वर्दी पहनेंगे, हम तभी देश के लिए लड़ सकते हैं। मैं भी आज आपके सामने हूं, उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। तो आपने भी अपने जिस मकसद में है, उस मकसद में आपने लड़ाई लड़नी है। आप कल को अच्छे एडवोकेट बनेंगे, आपको अभी से संकल्प लेना होगा कि आप अपने रास्ते को किस तरीके से अपनाएंगे। क्या कुछ टेररिस्ट विक्टिम फैमिलीज के लिए, हमारे जो जवान शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों के लिए संघर्ष करेंगे? क्या आप आतंकवादी, अगर कोई उनके परिवार के लोग आते हैं तो क्या उनके लिए केस लड़ेंगे? क्या आप देशद्रोहियों के लिए केस लड़ेंगे? क्या आप देशभक्तों के लिए काम करेंगे? क्या आप सोशल काम के लिए
एक अपने स्वार्थों को छोड़ करके भारत माता को सोच करके क्या उनके लिए अलग होके खड़े होंगे, ये आपको संकल्प लेना है। और आज एक स्टूडेंट लीडर कन्हैया और शशि थरूर फॉरन से पढ़ के आया, हाई प्रोफाइल फॉरन मिनिस्टर, ये हमारा हिंदुस्तान चलाएंगे, ये आपको चलाएंगे, ये बुद्धिजीवी, ये बुद्धिजीवी, क्या कहते क्या कहते कहते ये आज का भगत सिंह, आज का भगत सिंह। हमारे जवान बर्फों में समाधि ले रहे थे, एक जवान मौत से लड़ रहा था और कह रहे थे घर घर अफसा पैदा करेंगे, भारत मां के टुकड़े टुकड़े करेंगे, उसके लिए हिंदुस्तान सरकार के रहे मंत्री कहे, ये आज का भगत सिंह, एक वो भगत सिंह, आपका लीडर भगत सिंह जिसने भारत मां को आजादी दी, फांसी के रस्ते को हथ हथ के चूमा। हमें अपने देश के अंदर अपनी अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाना है, आज तो आपके हाथ में ताकत है, शक्ति है, सोशल मीडिया आ चुका है, आप एक पत्रकार बन चुके हैं, आपको पता ही नहीं, आज पत्रकारी सारी फेल होती जा रही है, आज कोई चैनल नहीं देखता, अखबारें बहुत कम लोग पढ़ते हैं, सोशल मीडिया को करते हैं, आप पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपने विचारों को सोशल मीडिया पे डालिए। हमें अपनी राजनीति को, अपने सिस्टम को बदलना होगा। अगर राजनीति में हम आते हैं तो राजनीति में आते हैं तो अपने विचारधारा को देश के लिए स्पष्ट और सही रखें, देश की बुराइयों के खिलाफ, आतंकवाद हो या समाज की और बुराइयां हो, उसके लिए इंसाफ के लिए खड़े होंगे तो ये देश को कोई आंच नहीं आ सकती, देश को कभी कमजोर नहीं हो सकता, ये देश आपके हाथों में है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हुआ धन्यवाद।